हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान टेल्स। आज हम आपके लिए जीके का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम जीके में टॉप 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में हम जीके के टॉप 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि सारे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? सही उत्तर है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? सही उत्तर है बेन किंग्सले ने निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्र पुष्प कमल है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्ले हॉकी खेल से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है? चौथ नामक कर है जो मराठों द्वारा लिया जाता है। मुगल बादशाहों का सही क्रम है? तो इसमें ये सारे मुगल बादशाह हैं, तो इसको हम सही क्रम में पढ़ लेते हैं। तो सही क्रम है बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर आज़म, जहांगीर, शाहजहां ए आज़म, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारुख शिया, रफ़ीउल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका सही क्रम नहीं पता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ से याद कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? सही उत्तर है विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड मैकॉले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर है मिल्खा सिंह। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन को शामिल किया है, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने कोशिश करी है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बता दिया जाए। इस वीडियो में हमने आपको 200 क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदय शंकर किससे संबंधित है? सही उत्तर है नृत्य। उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन।
पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। भारतीय सेना में विजयन नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री फोहान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम राज्य। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिश्र सभ्यता। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? बोधगया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तब सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना नदी। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर। सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशंस कोऑपरेशंस। भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 से 1918 में। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। कृष्णा नदी की उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का राष्ट्र पशु है बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर का। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है
परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? वर्ही मंडल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, हुमायूं ने। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा। लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोकीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है सीढ़ी दर टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक राज्य में। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास। गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का एक आधिकारिक पद है? थल सेना। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 फुट 6 इंच। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? सही उत्तर है भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? नेक चंद्र ने। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है तवी। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? सही उत्तर है काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? सही उत्तर है टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? मिश्र। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? सही उत्तर है 1869 में। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे लंबा पशु है? जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? तेंजिंग नॉर्गे। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? सही उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? अकबर। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। 1857 विद्रोह है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया है? स्वामी विवेकानंद। माओ से तुंग संबंधित है चीन। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर। भारत का राष्ट्र पक्षी है मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसको दिया? अब्राहम लिंकन। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित रखते हैं? बिहार। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1964। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू एंड कश्मीर, हालांकि अब यह हट चुका है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी का कारखाना है? बरौनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वॉशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? सी राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेर शाह सूरी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस देशों में स्थित है? उत्तर।
मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? असम। कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है? बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमान है बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होती हैं? एक। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियोन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? सही उत्तर है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। महाराष्ट्र में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई बी चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 200 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो चलिए हम आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक कितना तैयार हुआ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स, यह इसी वीडियो में से 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसका उत्तर अगर आपको पता हो तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। तो आज की इस वीडियो में हमने 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड लिए थे और इम्पॉर्टेंट लिए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम ऐसे ही GS और GK के वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आने वाले टाइम पे कोई भी वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।